हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। यह हमारा जावास्क्रिप्ट का 64th वीडियो है। इसमें हम फॉर ऑफ मेथड सीखेंगे। तो आइए समझते हैं फॉर ऑफ मेथड का यूज कब और कहां करेंगे। तो फॉर ऑफ मेथड का यूज ठीक फॉर ईच मेथड की तरह करते हैं, मतलब कि किसी एरे के प्रत्येक वैल्यू को बाहर निकालना हो तो हम फॉर ऑफ मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि हम फोरिच में करते थे। तो फोरिच में हम क्या कर रहे थे, फोरिच में एक फंक्शन बना रहे थे, फोरिच के अंदर एक फंक्शन बना रहे थे या फंक्शन कॉल कर रहे थे, और उस फंक्शन के द्वारा एक एक वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, मतलब कि बाहर करा रहे थे। ठीक इसमें भी सेम टाइप से करेंगे, लेकिन इसमें कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, इसका यूज सब कुछ यहीं पर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले फोर कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रेसेस का यूज कर लेंगे। राउंड ब्रेसेस के अंदर एक वेरिएबल नेम होगा, ये वेरिएबल क्या करेगा, हमारा जो एरे होगा एरे की प्रत्येक वैल्यू इसी के द्वारा बाहर निकलेगा। उसके बाद ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, ऑफ कीवर्ड के बाद एरे का नाम देंगे, मतलब कि जिस एरे की वैल्यू को हमें बार बार अलग अलग रो में प्रिंट कराना हो। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिस अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं। यहाँ पे हमने अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, और इसके अंदर फॉर ऑफ मेथड का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं। तो एरे का नाम होगा हमारा ए, इसमें हम कुछ वैल्यू को रखते हैं। तो पहला वैल्यू हम डालते हैं राम, और दूसरा वैल्यू हमारा होगा श्याम, और लास्ट वैल्यू हमारा होगा सुरेश। अब क्या करेंगे, अब हम फोर ऑफ मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे जिसके द्वारा क्या होगा, सारे वैल्यू को एक एक करके बाहर निकालेगा। तो चलिए इसका नाम हम दे देते हैं एक एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ओ एफ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एरे होगा, तो हमारा एरे का नाम क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे रख देंगे ए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेंगे, और इस कर्ली ब्रेसेस के द्वारा हम सारे वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। उसके बाद एक्स कर दिए, अब देखिए ओके ये कर दिए। अब इसको देखिए हम यहाँ पर प्रिंट करा, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, तो राम श्याम सुरेश एक ही सटा सटा आ रहा है। इसको अलग अलग रूम में करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम बीआर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए बीआर का यूज कर लिए। अब ये देखिए हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए राम श्याम सुरेश अलग अलग रूम में प्रिंट कर दिया। तो आपको ये फोर ऑफ क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।